दीनदयाल जी को उस पुस्तिका में आप जब देखते हैं तो दीनदयाल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है मौलिक रूप से। दीनदयाल जी राजनीति में जैसे जवाहरलाल नेहरू ने मैं राजनीति की दिशा दूंगा करके बचपन से युवानी से प्रेरणा लेकर काम करने के लिए निकले, वैसे दीनदयाल जी नहीं थे। दीनदयाल जी राजनीति से कोसों दूर समाज के काम करने के लिए निकले एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी वाज अ फोर्स्ड एक्टिविटी फॉर हिम। नेहरू का ऐसा नहीं। इसके बावजूद दीनदयाल जी इस देश के लोकतंत्रीय व्यवस्था के तहत एक विपक्षी पार्टी की नेता के नाते अपने मुद्दों को बहुत पैनी दृष्टि से कैसे रखा जा सकता है, इट वॉज ए पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन। ये पुस्तक जो है इट इज नॉट केवल ए एब्स्ट्रैक्ट एकेडमिक प्रेजेंटेशन नहीं है। एक पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं एक सर्जन अपने नाइफ को कहाँ काटना है उसको मालूम होता है और कहाँ उसको सर्जरी के नाते उसको आगे बढ़ाना उसको मालूम होता है, वैसे टू प्लान्स को वो विवेचना करते समय जहाँ जहाँ उसको मौका मिला और जहाँ उनको ध्यान में आया वहाँ हर जगह उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व का अपने जो दायित्व कहिए जो काम कहिए उसको प्रदर्शित किया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दीनदयाल जी पॉलिटिशियन नहीं है। जिस सेंस में चालू भाषा में पॉलिटिशियन को आप पॉलिटिशियन मानते हैं तो उस पॉलिटिशियन तो दीनदयाल जी ना चाहते थे ना रह सकते थे, लेकिन परम पूजनीय गुरु जी ने जिसको प्रेरणा दिया कि राजनीति में जाने के लिए, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ध्यान में आता है कि उनका निर्णय सटीक था। दिस मैन हैज गॉट अ रेयर एबिलिटी टू प्रोपाउंड ए थियरी एंड टू शार्पन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी।